हमर घरनी एहिबेर मुखिया हेबे करतै, हमर घरनी एहिबेर मुखिया हेबे करतै, हमर घरनी घर सँ बाहर जेबे करतै, हमर घरनी तबला ताल बजेबे करतै, हमर घरनी आगू डेग बढ़ेबे करतै। तऽ हमर घरनी एहिबेर मुखिया हेबे करतै, हमर घरनी घर सँ बाहर जेबे करतै, हमर घरनी तबला ताल बजेबे करतै, हमर घरनी आगू डेग बढ़ेबे करतै। हमर घरनी, हमर घरनी जनता जन के सेवे करतै, हमर घरनी जनता जन के सेवे करतै, सरकारी घर टोले टोल बनेबे करतै, हमर घरनी जनता जन के सेवे करतै, सरकारी घर टोले टोल बनेबे करतै। आ केओ नहि बुझतै, नीचा ऊपर खेबे करतै, 50-50 सबसँ गुपचुप लेबे करतै। तऽ केओ नहि बुझतै, हमर घरनी जनता जन के सेवे करतै, सरकारी घर टोले टोल बनेबे करतै। आ केओ नहि बुझतै, नीचा ऊपर खेबे करतै, 50-50 सबसँ गुपचुप लेबे करतै। तऽ जेतै अंचल ऑफिस आँखि लड़ेबे करतै, जेतै अंचल ऑफिस आँखि लड़ेबे करतै, वीडियो सीडियो एकरा डरे डरेबे करतै, जेतै अंचल ऑफिस आँखि लड़ेबे करतै, वीडियो सीडियो एकरा डरे डरेबे करतै। आ निडर बनिकऽ सबटा जाल फड़ेबे करतै, निडर बनिकऽ सबटा जाल फड़ेबे करतै, आ आगू पाछू लोकक भीड़ बढ़ेबे करतै। हमर घरनी तऽ केओ नहि बजतै, केओ नहि बजतै, बाबा पोखरि भरेबे करतै, ठाम ठाम जनता दरबार लगेबे करतै, आ बैसीमतक्का झंडा अपन गड़ेबे करतै, आ बुढ़बक नहि छै छागर लोक चढ़ेबे करतै, बुढ़बक नहि छै छागर लोक चढ़ेबे करतै। तऽ हमर घरनी इसकुलक अचमूह नहि देखने, जनता जन के मुँहें भरे खसेबे करतै, आ कन्यादानक विकट समस्या क्षण में दूर भगेबे करतै, लोकक भीड़ बढ़ेबे करतै, रंग अबीर उड़ेबे करतै, उसका महल ढलेबे करतै, आ पाँच वर्ष में 5 करोड़ कमेबे करतै। कतौ पंचायत चुनाव पर एक कविता जे ये से प्रकाशित है, जे मतलब मुखिया जे घरनी बने छथिन, आब जे महिला घर बने छथिन, तै पर ई अहाँके डेडिकेट जी अही पर हाँ कते भ्रष्टाचार जे चरम सीमा पर पहुँच गेल है। मिथिला, हम सरोजा अहाँ सब लोकन के मिथिला तक न्यूज में स्वागत करै छी। मिथिला में कतेको गुणवान व्यक्ति छथि, आ एना कहल जाए तो मिथिले से एक कवि निकलल छथि, आ जे अनेको रचयिता केने छथि कविता। एकटा आबि रहल है, लॉन्च भ रहल है, अखन ओकर पब्लिश नहि भेल है, भए रहल छथि। हम एकटा कवि छथि, हम हिनका से बात करै छी। की नाम भेल? अर्जुन कविराज। ई जे कविता संग्रह छै, की नाम छै? कहलनि कविराज। कविता कहलनि कविराज, कहलनि कविराज, कविता संग्रह आबि रहल है। हाँ, और एहिमे कतेक कविता छै? एहिमे 40-45 कविता छै। 40-45 जी। तऽ ई कविता जे छै 40-45 तऽ कोनो एहन एकटा कविता जे मतलब कोनो कथी पर जुड़ल? सब तरहक कविता हम आइ 40 वर्ष लोकक कविता लिखलियै, किछु पाण्डुलिपि सब हेरा गेल, किछु संग्रह जे धियापुता कयलनि, पहिने कविता लिखियै जे घर गाम घर एहि सब पर कविता सब हेरा जाय फाड़ि दियै, तकरा बाद जहन सब बुझऽ लगलियै, विनोद जीक सान्निध्यमे अयलहुँ, हुनकर कविता छपलनि एकटा रांचीमे, मने 3-4 गोटे संग्रह अथी मिला कऽ एकटा कविता संक्रांति रहै कि नहि, धूरी नामक पोथी, ओहो प्रभाव पड़ल एहि सबसँ, तहन कविता लिखऽ लगलहुँ। आ विभिन्न मञ्चपर रांची, पतरातू, मुंगेर, पूर्णिया, मने बम्बई, पटना, चेतना समिति सबठाम कविता पढ़ऽ लए आमन्त्रित हो लगलहुँ, ओहिठाम जाय लगलहुँ, ओहिठाम कवि सम्मेलनमे हमर तहन कविता लिखब हम शुरू कयलहुँ, बहुत रास कविता लिखलहुँ, आ ओ प्रति मञ्चपर हमर आदर भेल, मञ्चसँ प्राप्तियो आर्थिको से भेल। आ ई स्थिति नहि रहै जे हम कविता छपा सकब, से परिस्थिति नहि रहै। पहिल बेर कविता अहाँके छपा? पहिल कविता हमर ई पहिल संग्रह हम एतेक अवस्थामे पहिल संग्रह हमर ई आबि रहल अछि। अखन जे हिनकर कविता निकलि रहल अछि, कविता संग्रह कहलनि कविराज, केना की छै? हिनकर दुर्भाग्यक बात छै जे हिनकर ई पहिल किताब छै, किताब हिनकर जे गतिसँ लिखै छलाह, जब मैथिलीके स्थिति ठीक रहितै, प्रकाशनक व्यवस्था रहितै, वितरणक व्यवस्था रहितै, तऽ ई किताब हिनकर पास एकटा जरूरे आयल रहितै, से नहि भऽ सकलनि। जतेक तत्कालीन पत्र पत्रिका छलै, स्मारिका छलै, ताहिमे हिनकर रचना सब छपनि, मञ्चपर जखन जाय तऽ थपड़ी बजै, मञ्चपर हिनकर स्वागत होइन, लोकके नीक लगै, कविता पढ़ैत हिनका वाचन शक्ति सेहो बढ़िआँ छनि।
आ भाखा शुद्ध माटि परक भाषा में कविता लिखे शब्दकोशक भाषा नहीं है हिंदर इनका माटि परक व्यवहित भाषा है जो भाषा में लोग गप करे से भाषा में कविता लिखे तो ब्यूटी भले जमीन परक बात करी बातों जमीन परक करी किताबी बात नहीं करी कविता इनका लोकप्रियता में कतौ कमी नहीं मुदा शास्त्रीय पक्ष ओकर कमजोर रह सब दिन और तकर एक मूल कारण भेल टाइमली प्रकाशन नहीं भेल प्रकाशन होइ छै तऽ विमर्श होइ छै विमर्श भेला पर कवि के नीक बेजा लोग कहै छै जाहिसँ कवि के लाभ होइ छै से ही अवसर हिनका नहीं भेटलनि। आब वृद्धावस्था में आबि कऽ बेटा के ओ तेजू बेटा छनि तेजू के प्रताप से इहो ताकल गेलनि आब जे कविता सब छपलो छनि कोन पत्रिका में छपल से बुझलो नहीं छनि कोन स्मारिका में छपल से बुझलो नहीं छनि ओ जे ताकि कऽ विचारल नेना टकलक है 40-45 कविता के किताब अर्जुन कविराज नाम से छपल छपि रहा है एखन जीता हमरा सब बहुत छोट छथि फिर अगला संग्रह में और भेटते तो दोसर अपने लेकिन ये जनता के कवि छथि नीक कवि छथि हमर सर्टिफिकेट हमर तो सानिध्य में रहले छथि तैं लोग के नीक लगते यानी कतौ ने कतौ एकटा कविता कहबो कैले था जे कतेक सुंदर भ्रष्टाचार पर चैत मुखिया पर जे घरनी मुखिया बनै छथिन कतौ ने कतौ कमी रहल प्रकाशन पर कमी रहल वितरण पर किछु जे हमरा समाज में ओहि के पर मैथिली कविता संग्रह पर ज्यादा फोकस नहि देलखिन ओहि के ओहि तरह से मार्केटिंग नहि भेलै जाहि कारण से एहन एहन रत्न पाछा छथि लेकिन तैयो अखनो अगर ई एलथि है आ आशा करै छी जे आर हिनकर कविता जे छनि से संग्रह बनि आर कतेको छपनि लेकिन सब आदमी एहि कविता जरूर कविता संग्रह कहलनि कविराज ई जरूर पढ़ब आ एकर लाभ उठायब जेना कहलथि जे अपन मतलब मैथिली जेना बोलचाल छै तै मैथिलीमे आ जेना एकटा सुनेबो केलथि कतेक सुंदर चटगर आ सुनऽ में कतेक सुंदर लागै छलै इन वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करू ताकि ई मैथिली कविता संग्रह जे हिनकर आबि रहल छनि ओ जे छै संग्रह सब आदमी जरूर लिय जे 45-46 टा कविता के छै अपन बाल बच्चा आ जतेक सब आदमी छी ओ मैथिली कविता बैस कऽ घर में पढ़ू आ कविता के संग्रह के मंगाबे के कोशिश जरूर करू। धन्यवाद।